की हंडिया, बाजी की हंडिया, ये बाजी 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 की हंडिया। ला 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 ला, फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। चलो भाई, ये तो सब इंतजाम हो गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी, कहाँ से हैं आप? अरे वाह, मैं तो ठीक हूँ। ये तुम इतनी बंठन के कहाँ से आ रही हो? अरे ये क्या बात हुई, क्या मैं बंठन के नहीं आ सकती आपसे मिलने के लिए? अरे भाई क्यों नहीं आ सकती, बैठो बैठो। अच्छा अच्छा, वैसे बाजी आपकी जरा याददाश्त पे मैं थोड़ा सा जोर डाल रही हूँ। हाँ? मेरी एक वजह है आने की, आपको कुछ याद है? आप मेरी किसी काम में मदद करने वाली थी। अरे बीबी मुझे कुछ याद नहीं, मैं किस काम में तुम्हारी मदद कर रही थी? बाजी बनिए मत। अरे वही, मैं भला क्यों बनने लगी बाजी? अच्छा बताइए, मैं आपके पास क्यों आई हूँ, किस चीज के लिए आई हूँ, आप कौन सी मदद करने वाली थी? अरे वही बीबी, मैं काहे को मदद करूंगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। हैं? क्या तुम्हें भूख लग रही है, खाना खाओगी? ओहो भाई, अरे ये तो मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे मालूम है जी। ऐसा है कि मैंने तो पहले ही से सबका इंतजाम तुम्हारे लिए कर रखा है। सच बाजी? हाँ। अरे वैसे अगर तुम सच पूछो तो मैं तुम्हें दुनिया भर के खाने चुटके भर में सिखा सकती हूँ। वो तो मैं जानती हूँ कि आप खाना बहुत बेहतरीन बनाती हैं, लजीज बनाती हैं, बहुत ही अमेजिंग बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि कोई और हो जो मुझे तरकीबें सिखाए। अरे भाई तुम्हें मैं बताऊँ, मैं तो इतना अच्छा खाना बनाती थी कि अल्लाह बख्शे, जब तुम्हारे नाना खाते थे तो कहते थे, हाय बेगम दिल चाहता है हम आपकी उंगलियां चूम लें। और जब खाते थे तो उनके होश उड़ जाया करते थे। हाँ लेकिन बाजी आजकल खाना होश लाने के लिए कहाँ खाया जाता है? आजकल की तो लड़कियों को हर चीज अलिफ बे भी हिज्जे लगाकर सिखाना पड़ता है। हमारे जमाने में तो भाई चुटकी भर ये डालो, चुटकी भर वो डालो, चुटकी भर ये डालो, लो भाई खाना पक गया। अरे बाजी आज के जमाने में चुटकी भर ये डालो, चुटकी भर वो डालो, इससे कुछ काम नहीं चलता। नाप तोल के हर चीज बतानी पड़ती है, तभी जाके रेसिपी मुकम्मल होती है। ओहो। और वैसे भी बाजी आज के जमाने में किसको याद रहता है? याददाश्त की तो तुम बात करो नहीं, ना तो तुम लोग असली घी खाते हो, ना तुम लोग मगज खाते हो, ना बादाम, तो फिर भला क्या याद रहेगा? ये असली घी की जो आप बात कर रही है ना, और ये मगज और ये सब की बातें कर रही है, आपको पता है सेहत के लिए कितनी खराब होती है? अच्छा लो भाई, आजकल की लड़की हमको सिखाने चली है। तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारी नानी की जगह हूँ, मैंने घर बैठे तुम्हारे सारे इंतजाम कर दिए हैं। रियली बाजी? हाँ, अरे वाह, आई रियली लव यू। लेकिन सबसे जो जरूरी बात यह है कि मुझे अपनी किताब का उन्वान सोचना है। अरे भाई तुम तरह तरह के पकवान रख लो। वैसे बताएं बाजी, मुझे लगता है कि बहुत ही बोरिंग नाम है ना, मैं मुल्क के डिफरेंट डिफरेंट खानों की तरकीबें लिखना चाहती हूँ। वही, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है? मुख्तलिफ। हाँ वही, फर्क क्या पड़ता है बाजी? अरे भाई जरूर फर्क पड़ता है, तुम लोगों ने तो जबान के आजकल खिचड़ी बना के रख दी है। अच्छा ठीक है, आप मुद्दे पर आइए और मुझे कोई और नाम सजेस्ट करिए। तो फिर ऐसा करो कि ये उन्वान रख लो, हमारे मुल्क की कहानी पकवान की जबानी। बाजी मैं कोई घिसा पिटा टीवी सीरियल नहीं बना रही हूँ। अरे बेटा इसमें हंसने की क्या बात है, यही तो आजकल की नस्ल का मसला है कि जहाँ कोई जरा सी बात मुंह से निकाली और लगे मजाक उड़ाने जाओ। अरे बाजी आप तो बुरा मान गई। अरे बाजी मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी किताब जो हो वो मैं अलग ढंग से पेश करूँ, उसमें रिवायती खानदानी तरकीबें हों, लोगों से बातचीत हो, कुछ अलग सा हो।
तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? तो वही तो आपको बताने की कोशिश करी थी। लेकिन चलिए आप मुझे बताइए एक अच्छा सा नाम। बानो पकाए इंटरनेशनल खाना। अल्लाह बाजी, इंटरनेशनल खाना तो चलिए सही है, लेकिन मैं अपनी खुद की रेसिपीज नहीं लिख रही हूँ, मैं तो लोगों को इनवाइट करूंगी। मुझे कुछ मैजिकल नाम चाहिए, जादुई नाम चाहिए। तो भाई ऐसा है कि हम इसका नाम जादू की हंडिया क्यों नहीं रख लेते? जादू की हंडिया? हाँ। नहीं, कुछ ठीक नहीं लगा नाम। तो फिर क्या सोचा? बाजी, मेरे पास एक आइडिया आया है। वो क्या? क्यों ना हम अपनी किताब का नाम लिखें, बाजी की हंडिया। अरे वाह वाह वाह, बाजी की हंडिया। जी वाह, बाजी की हंडिया, बहुत खूबसूरत नाम। खूबसूरत नाम है ना? वाह वाह वाह, परफेक्ट। बाजी, नाम तो तय हो गया, अब आप खुश भी हो गई, राइट? अब ये बताओ तुम आगे क्या चाहती हो? बाजी, वैसे तो मैं चाह रही थी कि मेरी जो किताब हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, और जिसमें अलग अलग लोगों की बातचीत हो, उनके एक्सपेरिमेंट्स हो, उनके एक्सपीरियंसेस हो, उनकी रिवायती और खानदानी खानों की सारी तरकीबें हों। ख्याल तो बीबी तुम्हारा बहुत अच्छा है। मैं तो पहले ही से ये सब जानती थी कि तुम ये सब करोगी, मुझे मालूम था। वैसे बाजी, मैं आपको बताऊं, आपका सिक्स सेंस ना बहुत स्ट्रांग है। छठी हिस कहो, छठी हिस। अरे वो क्या होता है? अरे भाई, दिल की आवाज होती है। अच्छा अब सुन लो बीबी, काम की बात यह है कि मैंने आज तुम्हारे लिए राजस्थान से एक बहुत ही माहिर खातून को यहाँ मधु किया है जी, ताकि वो यहाँ आके तुमको राजस्थान के पुराने पुराने ढंग के खाने सिखाएं। अरे वाह बाजी, वो आती होंगी। लेकिन बाजी, आखिर उन खातून का नाम क्या है? अरे भाई, उनका नाम है सीमा सूद। हाँ, सीमा सूद, मैंने उनका नाम बहुत दफा सुना है। बस वो अब आती होंगी। बाजी, मुझे लगता है शायद सीमा जी आ गई हैं। अरे हाँ, अरे वाह वाह, सीमा आ गए। नमस्ते बाजी, कैसी हैं आप? चलो बैठो यहाँ पर। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। अरे भाई, मेरे शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हारी मेहरबानी कि तुम मेरे दावत नामे पर यहाँ चली आई। और सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआ। अच्छा मिलो, ये मेरी नवासी हैं बानो, और ये एक बहुत अच्छी खानों पर अनोखी किताब लिख रही हैं। अच्छा, जिसमें आज ये तुम्हारे राजस्थानी खानों की भी तरकीबें शामिल करेंगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ये ही नहीं कि खाली तरकीबें लिखेंगी, तुमसे बातचीत भी करेंगी। अच्छा जी, और इसी बहाने मैं भी कुछ सुन लूंगी और कुछ सीख भी लूंगी। सीख लेंगी? मुझे तो लगा बाजी कि आप पैदाइशी सीखी सिखाई हैं। अरे तुम चुप रहो। हाँ तो सीमा, मैं ये कह रही थी कि मैं अपने बावर्ची खाने को प्यार से हंडिया कहती हूँ। अच्छा, बस इसी हंडिया में सालों से लजीज पकवान पकते चले आ रहे हैं, जिसे खाकर लोग उंगलियां चाटते जाते हैं और होश उड़ जाते हैं। अच्छा, अरे सीमा जी, सच में आप गौर से देखिए हमारे बावर्ची खाने की तरफ। बहुत ही आर्टिस्टिक ढंग से हमारी बाजी ने इसको सजाया है। इनफैक्ट जहाँ पे खाना बनता है ना, वहाँ पे एक बड़ी सी हंडिया रखी है, देखा ना आपने? बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत है। अच्छा चलो सीमा, अब बिस्मिल्लाह करो और चल के शुरू करो। अच्छी बात, आइए सीमा जी। ठीक है। अच्छा, जो तुमने मुझे मसाले फोन पे लिखवाए थे ना जी, वो सब मैंने मंगवा लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सीमा जी, बावर्ची खाने की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं, आइए प्लीज। आप अपना बावर्ची खाना संभालिए। अच्छा, और मैं यहाँ बैठकर सारी रेसिपीज लिखूंगी और दोहराती रहूंगी जो भी आप बता रही हैं मुझे। ठीक बात है। तो एक चीज बताइए सीमा जी, के जी, जो हमारी पहली रेसिपी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मुर्ग हरी मिर्च। मुर्ग हरी मिर्च जी। हाँ बाजी के मुंह में तभी तो पानी आ रहा है ऑलरेडी, देखा आपने सीमा जी, हमारी बाजी खाने पीने की बड़ी शौकीन है। तुम समझती हो कि मैं चटोरी हूँ? चटोरी? हाँ हाँ, बचपन में तो होंगी, अम्मी ने आपके सारे किस्से सुनाए मुझे चटोरेपन के। लो और सुनो बीवी। अरे भाई, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। चलिए कुछ भी समझिए, अब हम रेसिपी शुरू करें। हाँ भाई शुरू। चलिए सीमा जी, पहले मुझे बताइए कि मुर्ग हरी मिर्च के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे? ठीक है बानो, आप लिख लीजिए जी। इसके लिए हमें चाहिए मुर्गा बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, फिर हमको चाहिए तेल, आधा प्याली तेल, फिर हमको चाहिए लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, अदरक का पेस्ट ये भी आधा चम्मच,
दो बड़े प्याज कटे हुए, नमक स्वाद के हिसाब से जी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी लाल मिर्च, कटा हुआ धनिया, एक चम्मच गरम मसाला जी, थोड़े कटे हुए बादाम, थोड़ा सा केसर, पानी में घुलावा जी, और एक लीटर दही, ये सारी चीजें हमको इसके लिए चाहिए। चलिए परफेक्ट, तो फिर सीमा जी शुरू करें अब। और मेन चीज तो मैं भूल ही गई जी, ये हरी मिर्च क्योंकि ये मुर्ग है हरी मिर्च का, तो हरी मिर्च अपने हिसाब से आप डालेंगे। अच्छा ठीक है, तो शुरू करें। जी बिल्कुल जरूर। अब ये जो हमने मुर्ग धो के रखा था उसको हम पहले, सबसे पहले हम तेल डालते हैं इसमें जी। मैंने आपको जितना बताया था उसके हिसाब से आधा तेल इसमें पड़ता है। ओके। इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको अब हम भूनेंगे जब तक ये लाल नहीं हो जाता। इसको कॉन्स्टेंटली हम लोग चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे नहीं लगना चाहिए। ओके। और ये बिल्कुल लाल रंग हो जाए, इसका सुनहरी रंग। तो जब आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से उसको भून लिया जी, उसके बाद फिर आप चिकन डालती हैं। जी हाँ, इसके बाद चिकन डालेंगे। एकदम लाल सुर्ख हो जाना चाहिए और इसमें खुशबू आनी चाहिए। ओके। नहीं, ये खुशबू तो मुझे भी आ रही है। अरे बाजी, अभी तो खुशबू शुरू हुई है, अभी देखिएगा जब आप चखने बैठेंगी। चलो भाई जल्दी जल्दी बनाओ। ठीक है बाजी। सीमा, तुमने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला, क्या बात है? नहीं, अभी पानी नहीं भरेगा, अभी बस हम उनको चिकन को डाल देते हैं और चिकन हाँ। अपना पानी छोड़ देगा। अच्छा, और दही का इस्तेमाल कब करोगे? दही का बाद में करेंगे जब ये पक जाएगा। एक्चुअली इसके 3 स्टेप्स हैं इस वाली रेसिपी के, और ये जब मैंने सीखी थी बहुत पुराने जमाने में, तो इसमें दही के बदले बहुत सारा मेवा पीस के डाला जाता था। वाह क्या बात। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया है, इम्प्रोवाइज किया है, जिससे कि लोग इसको खा सकें। तो अब ये इसको पकाने के लिए हमने थोड़ा सा भून लिया है जी। अब इसको पकाने के लिए हल्की आंच पे रखेंगे। अच्छा, ये एक बात और बताओ कि जो हरी मिर्चें रखी हैं, ये क्या बहुत तेज हैं या ये वो फीके वाली हरी मिर्च? नहीं, ये फीके वाली हरी मिर्च है। यदि बहुत तेज वाली हम डालेंगे तो कोई खा नहीं पाएगा। अच्छा। इसको बस समझ लीजिए इसमें सजावट के तौर पर है, और हल्का हल्का शायद फ्लेवर भी आता होगा। फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है, तो इसमें नमक डाल देते हैं। अभी ये जो हम पका रहे हैं उसमें सिर्फ नमक पड़ेगा जी, क्योंकि बाकी के मसाले हम जब दही डालेंगे उस टाइम पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा है कि तुम्हारी साड़ी हमें बहुत खूबसूरत लगी। हाँ, मैं भी तुमसे निहार रही थी। ये तुमने कहाँ से खरीदी? बाजी, ये तो जोधपुर की साड़ी है और वहाँ की बांधनी बहुत ज्यादा फेमस है। ये तो बहुत ही वाकई बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट सीमा जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगली बार आप जाएंगी ना मेले में एक लेकर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर ले आऊंगी। उनको क्यों तुम तकलीफ देना चाहती हो? मैं जब जाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए दो दो ले आऊंगी। हाँ जरूर। हाँ, और क्या, थोड़ी देर में ये रेडी होने वाला है। हाँ भाई, कई बातों में तुम्हारा मुर्गा जल ना जाए, जरा देख लो उसको। ऐसा है बानू कि ये मुर्ग तो तैयार हो गया, पक गया है। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं दूसरे पे, और हम कढ़ाई लेते हैं एक। ये कढ़ाई में क्या करने वाली हो? बस अभी वो जो प्याज हमने काट के रखा उसको हम लाल करेंगे। अच्छा अच्छा जी, तो आपका मुर्ग एक तरह से तैयार है, इस तरफ वाला जो आपने ये तो रखा बिल्कुल है, गल चुका बिल्कुल है, गल चुका बिल्कुल है। फिनिशिंग दे रही हूं मैं। ओके परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अभी आपने इसमें ये मिर्चे वगैरह तो डाली नहीं है? नहीं, तो आप थोड़ा सब्र करें बाजी। भाई सब्र ही तो नहीं हो रहा ना। बस चलो, ये अब आप बिल्कुल ज्यादा सब्र की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अब 10 मिनट में तैयार होने वाला है। 10 मिनट? नहीं, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा, 5 मिनट में तैयार कर दी। हाय, ऐसा है ना, जिन लोगों को खाने का शौक होता है वो सब्र नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और खास तौर से जब सामने खाना बन रहा हो, खुशबुएं आ रही हो, तो सब्र कहाँ से होगा भाई। अभी हम इसको लाल होने तक इसको पकाएंगे। जब तक ये लाल होता है तब तक हम दही ले लेते हैं। ये दही मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको
मलमल के कपड़े में बांध के टांग दिया था, करीब एक लीटर था डालोगी? जी उसमें एक लीटर था तो वो बांध के उसमें करीब आधा लीटर हो गया, जब तक पानी सारा निकल गया, पानी सारा ड्रेन हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काजू का पेस्ट डाला जाता था जी, जी, और मेवे का, तो उसके बदले हम ये डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा फेंट लिया जैसे क्रीम की कंसिस्टेंसी उस तरह से। हाँ जब तक मेरा ये, जब तक इसमें मसाले मिलेंगे तब तक प्याज अपनी हो जाएगी। तो आप इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, बिल्कुल अच्छी, इसमें गुठली ना रहे, बिल्कुल स्मूथ, जैसे क्रीम को हम लोग फेंटते हैं उसी तरह से इसको फेंट लेते हैं। तो नमक तो हमने डाल ही दिया था पहले, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। भैया चीनी क्यों डाली? नहीं थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आता है तो जरा बढ़िया रहता है, क्योंकि काफी सारा दही इसमें पड़ता है तो बहुत ज्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता, इतना तो जरा सा हल्का हल्का सा मीठा, खट्टेपन को काटने के लिए। अच्छा तो क्या राजस्थान में चीनी हर खाने में पड़ती है? नहीं बिल्कुल नहीं पड़ती। अच्छा। लेकिन जब बहुत खट्टा, जैसे राजस्थान में कढ़ी भी बनती है तो उसमें थोड़ा सा मीठा जरूर डलता है। अच्छा। तो वो खटमिट हो जाता है? नहीं इतना मीठा भी नहीं लगता, लेकिन उसका इतना खट्टापन नहीं रहता। अच्छा। तो इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे गरम मसाला और इसी में थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। इसको खूब अच्छी तरह से हमने मिला लिया। तो ये सब तुम अब गरम गरम प्याज में मिला दोगी? जी अब इसको हम पहले चिकन डालेंगे, उसके बाद में हम हल्के से दही डालेंगे, क्योंकि यदि हमने बहुत उसको घोटा घाटा तो वो सारा पानी वानी सब अलग हो जाएगा। अब इसमें हम केसर भी डाल देते हैं। अच्छा, या फिर जर्दे का रंग हो तो वो डाल दिया गया? जी जर्दे का रंग भी डाल सकते हैं? नहीं वो नहीं, केसर का तो फ्लेवर ही अलग होता है ना बाजी, खाली केसर डाल। हाँ बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी लग रही है बाजी। बेटा सुनो जी, ये तरकीब तुम अपनी किताब में सबसे पहले लिखना, क्योंकि ये मजेदार जो है। अरे फिकर मत करिए। हाँ। बाजी की हंडिया की ये पहली रेसिपी होगी। हाँ, हाँ, और क्या, जो खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। अब इसमें कोई मेवा डालना चाहे तो भी डाल सकते हैं। अच्छा वो आपके ऊपर है। वो तो है, कुछ तो हम इसमें डाल लेते हैं, कुछ सजाने के लिए रख लेते हैं। कौन कौन से मेवे डाले इसमें? आप काजू डाल सकते हैं काट के, इसमें बादाम के छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा। या जो चिलगोजे के छिलावा चिलगोजा आता है वो भी डाल सकते हैं इसमें। भाई चिलगोजे तो मुझे बहुत पसंद है, तो आप चिलगोजे ही डालिए। अगर हैं तो थोड़े से लाओ अभी खिला दो। नहीं कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा बहुत कमजोरी हो रही है। हाँ बाजी। अरे दे दो। अरे भाई हाँ। दे दो बाजी को। हाँ। अरे सीमा जी उनको हर 5 मिनट के बाद कमजोरी होती है। अरे भाई इस उम्र में जरा ताकत की जरूरत होती है। सीमा जरा से इनको दे दो, ये मुझे यहाँ दे देंगे। अच्छा चलो 2-4 दे दो। नहीं सीमा जी। अच्छा तुम्हें कम तो नहीं पड़ जाएंगे ना? नहीं कम पड़ जाएंगे। चलिए थोड़े से तो दे दीजिए बानो, आप बड़ी बेरहम है। ये बहुत बेरहम है, तुमने बिल्कुल सही कहा। जहाँ मैंने जरा सा खाने का नाम लिया फौरन उसे काट लीजिए। अब तुम ना ले लेना, सारे दो मुझको, नहीं तुम नहीं लोगी। अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, खुद तो खाऊंगी। जरूर। बस अब ये प्याज तो लाल होने ही वाला है हल्की आंच करके। अच्छा मैं देख रही हूँ कि आपने अपने खाने में टमाटर का कोई इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दही का किया है। हाँ, बाजी राजस्थान की कुकिंग में टमाटर नहीं होता है। टमाटर नहीं डलता? हाँ, वहाँ उस जमाने में होता भी नहीं था, टमाटर उगता भी नहीं था, तो इसलिए हर खाने में वहाँ पे दही के साथ बनाया जाता है। हाँ, तो अब ये हो गया है लाल, अब हम इसमें डाल देते हैं। अब जो चिकन हमने पका के रखा था जी, वो इसमें सारा उंडेल दिया। ठीक है, और अब इसके ऊपर से आप दही डालेंगे? जी, इसको पहले हम अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, दम पे रख देते हैं थोड़ी देर, और उसके साथ साथ हम थोड़ी सी मिर्चें भी डाल देते, पानी का थोड़ा छींटा दे देते हैं। ओके। अच्छा मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ छींटा दे रही हैं, पानी नहीं डाल रही। पानी नहीं। शायद बाजी उसकी एक और वजह है कि चिकन खुद पानी छोड़ता है, दही हाँ। भी पानी छोड़ता है, तो अगर ज्यादा पानी हो जाए तो फिर हो सकता है कि रेसिपी खराब भी हो सकती है। अरे भाई आखिर राजस्थान की नायाब डिश बन रही है, क्या बात है। नायाब तो है लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से, ये भारी नहीं है। कोई बात नहीं जी, तो अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे और अंदाज से आप डालें, मैंने तो बहुत सारी रखी हुई है, लेकिन जहाँ आपको जितनी अच्छी लगे उतने। एक तो ये डिश इससे खूबसूरत भी लगती है देखने में, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन, और दूसरे बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है। बाजी अब हमने बना लिया, ये सारी हल्की सी पक गई है मिर्चें और उसने अपनी खुशबू भी छोड़ दी है। अब इसका टाइम आया मिक्स करने का।
तो अब हम धीरे धीरे इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड मतलब उसको जल्दी जल्दी नहीं चलाएंगे, हल्के हल्के, उसको हल्के हल्के चलाएंगे। इसको हम इधर रख देते हैं। अच्छा, ये वो दही आप मिला रही हैं? जी, वही वाला दही जो हमने फेंट के रखा था और उसको मलमल के कपड़े से बांधा था। ये कपड़े से बांधने का भाई क्या बात है, उससे बहुत थिकनेस आ जाती है उसके अंदर। ये देखिए सारा हमने इसमें डाल दिया। वाह, और ये इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी होती है बाजी। जब आप किसी दावत में इसको परसेंगे ना तो लोग वाकई में उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अब सीमा जी कितना और वक्त है? नहीं, बस रेडी हो गया ये तो। नहीं, इसमें आपको खुशबू नहीं आ रही अभी तक? बहुत ज्यादा, तभी तो मैं कह रही हूं। तो ये रेडी है बिल्कुल। तो हम इसको गैस को बंद कर, खुशबू आ रही है, खाना तो नहीं आ रहा अभी तक। नहीं, आप थोड़ा सा सबर करिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब आप परसें तभी दही मिलाएं, क्योंकि यदि पहले आपने दही मिला दिया तो दही पानी छोड़ देगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो हमारा मुर्ग हरी मिर्च तो बिल्कुल तैयार है। अब सीमा जी जल्दी से मैं अपनी इंग्रेडिएंट्स रिपीट करती हूँ, अगर कुछ भी रह गया हो आप प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़े मेवे से सजाते हैं। हाँ, सजा लीजिए। इसमें 2-3 हरी मिर्चें यहाँ सजा दीजिए, बाकी तो अंदर है ही है। ठीक है, तो ये आपका मुर्ग हरी मिर्च तैयार हो गया है। ठीक है, तो चलिए मैं तरकीब दोहराती हूँ। 1/4 कप गर्म तेल में 1 बड़ा चम्मच पिसा लहसुन, 1 बड़ा चम्मच पिसा अदरक डालकर भून लें। 1/2 किलो मुर्ग के टुकड़े डाल दें और नमक डालकर हल्की आंच पर 15 मिनट पकाएं। पतीले को एक तरफ रख दें। 1/4 कप तेल एक दूसरे बर्तन में गर्म कर लें और उसमें कटी हुई 2 दरमियानी प्याज को हल्की सुर्ख होने तक तलें। 1 प्याले में 1/2 लीटर पतले कपड़े में छना दही फेंट लें, फिर उसमें 1-1 चुटकी शक्कर, गरम मसाला, हरा धनिया और जाफरान मिला लें। अब तले मुर्ग को तली प्याज के बर्तन में डाल दें और ऊपर से पानी का छींटा देकर चलाएं। अब इसमें 6 आधी कटी हुई हरी मिर्च के टुकड़ों को डाल दें। खाना पेश करने से कुछ देर पहले दही के मुरक्कब को आहिस्ता आहिस्ता मुर्ग में मिला लें। सूखे मेवे, हरी मिर्च और कटे हरे धनिये से डिश को सजा कर पेश करें। बिल्कुल ठीक लिखा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए, शुक्र है तुमने पहली तरकीब बिल्कुल सही लिखी। क्यों भाई सीमा, बिल्कुल मुबारक हो, मुबारक हो आपको, मुबारक। अरे भाई इस पे तो कुछ मीठा हो जाए। मीठा हो जाए? हाँ, मीठा हो, फौरन इसके बाद मीठा हो जाए। भला मीठे के बगैर कोई दावत हो सकती है? बाजी आज मैं मीठा बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है लापसी। अरे वो ही बुआ, ये कोई लापसी क्या है? इसे तो हरीरा कहते हैं हमारे यहाँ। नहीं, मैं बना दू, लाओ। नहीं नहीं, हरीरा नहीं है बाजी, ये लापसी बिल्कुल फर्क किस्म की चीज। अरे भाई नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं है सीमा, ये क्या हो गया तुमको खामखा के लिए? अरे हरीरे को हरीरा कहो, लापसी कहाँ से ले आई बाजी? देख लीजिए, सुन लीजिए, ये बिल्कुल फर्क चीज है। अब देखती हूँ क्या फर्क चीज है, बताओ। अब हरीरा तो पतला होता है बिल्कुल, ये क्या कुछ गाढ़ा होता है? ये गाढ़ा होता है, यही तो सबसे बड़ा फर्क तो यही है। चलो दिखाओ। चलो, ये लापसी के लिए हमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा। एक कप मोटा कुटा हुआ दलिया और 1 कप चीनी, बराबर की चीनी, 1 कप घी, थोड़े से सौंफ और थोड़ा सा नारियल, 3 कप पानी इसमें पड़ेगा। अच्छा, उसे तिगना पानी। अच्छा। तो शुरू करूँ मैं? हाँ हाँ, जरूर शुरू करो। तब तो ये बहुत ज्यादा घी है, लेकिन हाँ याद आया, राजस्थान में तो बहुत, राजस्थान में घी तेल काफी खाया जाता है। हाँ। और इसमें जो ये मीठा है, इसमें घी बिल्कुल ऊपर तक तैरना चाहिए। वाह क्या बात है। तो अभी हमने और नाप के ले लिया। अब तो लगता है मुझे खाना ही पड़ेगा ये तुम्हारी लापसी। अभी इसको बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाती है। अब ये क्या डाल, बराबर हमने ये मोटा दलिया कूटा हुआ ले लिया। अच्छा। ये इसमें डाल दिया। अच्छा, हलवा हरीरा। नहीं, ये लापसी। इसको हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। हाँ। बिल्कुल लाल हो जाना चाहिए जी। ये जो मीठा पकवान जो मैं बता रही हूँ आपको, ये हर खुशी के मौके पर बनता है, चाहे किसी की वर्षगांठ हो, चाहे कोई बड़ा फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, उसमें ये बनाया जाता है क्योंकि इसको बहुत शुभ माना जाता है।
अब देखिए बानो, ये बिल्कुल लाल हो गया है जी। और एक चीज जो है, हम इसमें थोड़ी सी सौंफ अभी डाल सकते हैं। अच्छा, खुशबू के लिए। यदि आप चाहें तो जब आप तेल या घी गरम करती हैं उस टाइम भी सौंफ डाल सकते हैं और उसके बाद भी डाल सकते हैं, तो हमने इसमें बाद में डाल दिए। अब देखिए ये सब एकदम बढ़िया से लाल हो गया है और खुशबू भी आने लगी है, तो इसमें हम तिगना पानी डाल देंगे 3 गुना। अच्छा, चलिए डालिए। वाह भाई, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है जी। बाजी, ये 3 कटोरी पानी। 3 कटोरी पानी डाल दिया इसमें। जब आप बनाएं तो बिल्कुल ही नाप के बनाएं। फिर इसमें हमने ये डाल दिया कटा हुआ सूखा वाला नारियल। अच्छा, और राजस्थान में तो वो तो दूसरा तो होता ही नहीं, फ्रेश वाला। चीनी? तो इसमें हमने सूखा हुआ जो गोटा होता है। और ये चीनी कब डाली? चीनी लास्ट में, जब ये पक जाएगा। पहले उसको उबाल लेते हैं, अच्छे से ढक देते हैं। अब ये कितनी देर, जब इसमें उबाल आ जाएगा तो बिल्कुल हल्की आंच पे कर देंगे। ये कितनी देर में? ये कम से कम 10-15 मिनट में पकेगा, क्योंकि मोटा दाना है इसका। अरे सीमा जी, ये तो बताइए कि आपको खाना पकाने का शौक कब से हुआ? एक्चुअली क्या है ना बानो, जब हम छुट्टियों में अपनी दादी जी के गांव जाते थे तो वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती थी जी। और वो नॉन वेजिटेरियन तो बहुत ही बढ़िया बनाती थी। और इन दोनों में तो शिकार का चलन था, तो शिकार का मीट भी बनाया जाता था। हाँ, मुझे याद आया शिकार का किस्सा। अरे भाई, जब मैं छोटी सी थी तो हम भी अपने 2 घोड़ों वाली बग्गी में बैठ के कुतुब और मेहरौली जाया करते थे। अल्लाह बख्शे, हमारे दादा को शिकार का बड़ा ही शौक था, और वो भी तीतर बटेर के शिकार का। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने शिकार किया और इसके बाद आपके किस्से कहानियां कभी खत्म नहीं होती। क्या अभी हम इनमें थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा सकते हैं? अरे मैं कौन सा किस्से कहानी कह रही हूँ, तुम तो हर वक्त मुझ पे नाराज हो जाती हो। अरे बात में बात निकल आती है, तो मैंने भी कह दिया। अच्छा ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये पक गया है कि नहीं। देखिए सारा पानी सूख गया और इसका दाना भी एकदम पक गया है, एकदम रेडी है भाई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जब ये एकदम पानी सूख गया है तब इसमें चीनी डालेंगे अच्छी तरह से मिला के, और इसको 2 मिनट ऊपर रख देते हैं। 2 मिनट? 2 मिनट। अच्छा, अब क्या हुआ? बस ये पिघल जाएगी गर्मी से और ये रेडी है आपकी। तो चलिए फिर मैं तरकीब दोहराती हूँ। 1 कप असली घी को बर्तन में गर्म कर लें। 1 कप मोटे दलिये को इस घी में सुनहरा होने तक भून लें। खुशबू के लिए थोड़ी सी सौंफ डाल दें। इसमें 3 कप पानी नाप कर और आधा कप कटा खोपरा डालकर हल्की आंच पर 15 मिनट पकाएं, या जब तक इसका पानी खुश ना हो जाए। इसमें फिर 1 कप शक्कर डालकर अच्छी तरह मिला लें। कटा खोपरा ऊपर से डालकर गरम गरम पेश करें। बिल्कुल ठीक लिखा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे भाई सीमा, तुमने तो आज अपने उस्ताद का नाम रोशन कर दिया। नाम रोशन कर दिया, किसकी शागिर्द? बाजी की शागिर्द हो आखिर, है ना ये बाजी की हंडिया। बिल्कुल। कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका धड़का।